नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ यशि शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। नगरनाथ स्टील प्लांट को निजी हाथों में सौंपने पर सीएम बघेल का पीएम मोदी को खत, निजीकरण को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। 3,807 करोड़ 46 लाख का पहला अनुपूरक बजट पारित, सीएम भूपेश बघेल ने अपनी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। थाली बजवाने के मामले में केंद्र सरकार पर जमकर बरसे से बघेल, सीएम बघेल ने गिनाई बीजेपी की विफलता, पूर्व सीएम रमन सिंह पर भी ज्यादा निशाना। छत्तीसगढ़ से ज्यादा कीमत पर शराब बेचकर गबन करने वाले 700 कर्मचारी हटाए गए, स्पीकर ने अधिकारियों के खिलाफ जांच के दिए निर्देश। मसूरी में मूलभूत सुविधा से ग्रामीण में लेकर रास्ता पार करने को मजबूर, सड़क की समस्या के चलते नहीं पढ़ पा रहे बच्चे। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में सबसे ज्यादा 1,468 नए मरीज, रायपुर में 493, 14 लोगों की मौत। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और बढ़ेंगे खबरों में, रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए कई अहम निर्णय लिए हैं। इसी कड़ी में राज्य की आदिम जातियों की संस्कृति और परंपरा, अस्त्र शस्त्र, खान पान और दैनिक जीवन में उपयोगी चीजों को संरक्षित करने के लिए राजधानी रायपुर सहित अन्य जिलों में संग्रहालयों का निर्माण किया जा रहा है। जशपुर जिले में नवनिर्मित जशपुर पुरातत्व संग्रहालय में 13 जनजातियों की सांस्कृतिक और पुरातात्विक महत्व की चीजों को संरक्षित करके रखा गया। इस संग्रहालय से जहां एक और क्षेत्रीय विशेषताओं की पहचान होगी, तो वहीं संग्रहालय का लाभ विद्यार्थियों को भी मिलेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में 3,860 करोड़ 44 लाख रुपए का पहला अनुपूरक बजट पारित हुआ। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाने के साथ ही विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। सदन में गुरुवार को सीएम बघेल कोरोना वायरस को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों पर जमकर बरसे। जो पहले किस्त हमने दिया था उसे कर्ज हमने नहीं लिया था, इस समय जरूर लिए। और अध्यक्ष महोदय, कर्ज लिए हैं, बार बार रमन सिंह जी इस बात को उल्लेख कर रहे हैं, कर्ज में डूब गया, दिवालिया हो गया, कंगाल हो गया, अजय जी भी यही बोल रहे थे। देखिए, जब हमने 2003 में सरकार के यहां गए तो खजाने में 400 करोड़ रूपये छोड़ गए। धर्मजीत भी भेजी वहां पर 400 करोड़ छोड़ दिया थे। रमन सिंह जी, आपको हमने 400 करोड़ रूपये दिया था, 15 साल तक सरकार में आए थे, 40,000 करोड़ कर्जा हमको इतना छोड़ा है। और उसमें आपने वचन किया था 2100 रूपये में खरीदेंगे, 5 साल नहीं खरीदे। आप हमसे सवाल करेंगे जब 5 साल किसानों को धोखा दिए, 2100 रूपये खरीदे, 300 रूपये बोनस देंगे, बोनस भी 300 रूपये आपने नहीं दिया। देखा, एक नौजवान लड़का पेड़ के नीचे सड़क किनारे बैठा हुआ था, एक व्यक्ति आया, उसको रोटी दिया। उन्होंने कहा मुझे रोटी मत दो, रोटी मुझे कहीं भी मिल जाए, मुझे चप्पल ना। और अध्यक्ष महोदय, होती नहीं। उसके बाद हमने सारे कलेक्टरों को निर्देश दिया, जहां जहां भी लोग आ रहे हैं, हमने तो केवल कलेक्टर को आदेश दिया था, समाज सेवियों में इतना उम्र पड़े हजारों लाखों की तादाद में, चाहे वो राजनांदगांव बाग नदी हो, चाहे अंजोरा हो, चाहे रायपुर की ताटी बंद हो, चप्पलों की लाइन लगी थी और सब लोग चप्पल लेकर आते थे। और इतना सेवा किया अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के नाम इतना रोशन किए यहां के लोग आते थे गुजरात से ट्रक में ट्रेलर में बैठ के, किराया कहां करते थे अध्यक्ष महोदय, बाप रे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ की सरकार उसे हमें अपनी सीमा जाति तक के, चाहे वो झारखंड जाने वाले हो, चाहे उड़ीसा जाने वाले हो, चाहे वो बिहार जाने वाले हो, उस सीमा तक छोड़ने की व्यवस्था करेगी यहाँ की सरकार।
बहुत सारे साथी बहुत सारे आरोप लगा भी रहे थे, 13 योद्धा की बात कर रहे थे। हमने तो नहीं कहा था भाई हम योद्धा हैं, किसी पेपर वाले ने लिख दिया तो उसको पकड़ के माननीय अजय जी माननीय रमन सिंह जी आसन दे रहे थे। यदि योद्धा की बात ही है तो निश्चित रूप से उन्होंने ऐसा काम किया है। जिस समय अजय जी आप ताली बजवा रहे थे, अमरजीत के विभाग मंत्री सहित 56 लाख परिवारों के घर में राशन पहुंचाने का काम कर रहे थे। जब आप थाली बजवा रहे थे तब शिक्षा मंत्री हमारे महिला बाल विकास स्वास्थ्य मंत्री मध्यान्ह भोजन नहीं करा सकते थे, अध्यक्ष महोदय सूखा राशन कैसे पहुंचे इसकी चिंता कर रहे थे, इसकी व्यवस्था कर रहे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय जब आप मोमबत्ती जलवा रहे थे उस समय सर्दी का भाव आसमान छू रहा था। ये हमारे कृषि मंत्री हमारे परिवहन मंत्री जी गांव के बाड़ी से सब्जी कैसे शहर पहुंचे उसकी व्यवस्था कर रहे थे। रिकॉर्ड है पूरे देश में जिस समय लॉकडाउन था लघु वन उपज खरीदी के देश के 99% छत्तीसगढ़ से हुआ था एक समय था अध्यक्ष महोदय, और अभी भी रिकॉर्ड है 76% रिकॉर्ड है, अभी आज की तारीख में रिकॉर्ड है अध्यक्ष महोदय। आपने हमको क्या दिया है? जब हम सरकार में थे और छोड़े तो 36% था, गरीबी रेखा हमारे 18-19% था, आपकी गरीबी रेखा आपका पेट कितना था, कितना है 39%। 15 साल में आपने दोगुना गरीब बना दिया छत्तीसगढ़ के लोगों को। कुपोषण की स्थिति क्या 37.5%, कुपोषित बच्चे भविष्य क्या होगा 41% महिलाएं एनीमिक, खून की कमी अध्यक्ष महोदय 41% महिलाएं हमारी छत्तीसगढ़, ये आपके आंकड़े हैं, भारत सरकार के आंकड़े नहीं आंकड़े हैं। आपने ये दिया माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी साल 1%, किसी साल 1.5%, इस साल अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री सुपोषण योजना चलाया हमने, केवल जून से लेकर मार्च तक के 6 महीने के भीतर 6-8 महीने में अध्यक्ष महोदय बस तक यहाँ पे आप निकाल के देख लिए 13% कमी आई है, 13% एक साल नहीं बीता। यदि कोरोना नहीं होता तो हमारी योजना और चलती रहती है अध्यक्ष महोदय, कुपोषण से हम लड़ाई लड़ते। मलेरिया का टेस्ट नहीं करवा पाए, इस साल तो पूरे बस्तर में मलेरिया टेस्ट का अभियान चलाया, घर घर जाके टेस्ट कराया, मैं भी गया था, मेरा भी टेस्ट किया अध्यक्ष महोदय, मैं गया था शुरुआत कर। अध्यक्ष महोदय हमारी नजर भी देखती है, उसके दर्जा ले रहे हैं वही बात नहीं, छत्तीसगढ़ बना है छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, 2.8 करोड़ लोगों के लिए। मसूरी क्षेत्र के आम गांव के लोग मौत से खेल कर चलने को मजबूर हैं। भटचारा से आम गांव का रोड इतना जर्जर है कि लोगों का चलना मुश्किल हो गया। बता दें कि भटचारा से आम गांव की दूरी 3 किलोमीटर है, लेकिन रास्ता ऐसा कि लोगों की जान ही ले ले। मात्र एक रास्ता होने की वजह से मौत से खेलने को मजबूर ग्रामीण, 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी वो रोड नहीं बन पाया। रोड शासन की योजनाएं 108-112 का लाभ सभी लोग ले रहे हैं, लेकिन इन गांव के लोगों को ये सभी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। ग्रामीणों की माने तो यहाँ के रहवासियों को कई ऐसी सुविधाओं का त्याग करना पड़ जाता है, साथ ही बच्चों को आगे की पढ़ाई करने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है। कई ऐसे छात्र हैं जो रोड की समस्या की वजह से पढ़ नहीं पाते। रायगढ़ में क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल द्वारा अपने जन्मतिथि प्रमाण पत्र को सुधारने का अंतिम मौका दिया गया है, जिसके अंतर्गत ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने किसी भी कारण से अपनी जन्मतिथि परिवर्तन करवाई हो वो उसे स्वीकार कर सुधार सकते हैं। जिला क्रिकेट संघ के सचिव रामचंद्र शर्मा ने बताया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि अनेक खिलाड़ी अपनी जन्मतिथि गलत बताकर गलत प्रमाण पत्र के आधार पर क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कड़ा कदम उठाने से पहले सभी खिलाड़ियों को एक अंतिम मौका देने का निर्णय लिया।
साथ में इनसे सीनियर वर्ग पुरुष एवं सीनियर वर्ग महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने यदि मूल निवास प्रमाण पत्र में छेड़खानी की है तो उन पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। बढ़ते साइबर अपराध को रोकने के लिए कोटा एसडीओपी रश्मित कौर चावला ने 100 साइबर लीडरों को कोटा जनपद के सभाकक्ष में ट्रेनिंग दी, जहां पर कोटा नगर के साथ आसपास के ग्रामीण अंचल से आए साइबर लीडरों को अपने अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने की बात कही गई। वहीं कोटा एसडीओपी रश्मित कौर चावला व बिलासपुर साइबर सेल के एसआई हेमंत आदित्य ने बताया कि सभी साइबर लीडरों को ट्रेनिंग दी गई, जहां पर सभी को साइबर क्राइम रोकने की हर तरह की जानकारी दी गई। इस दौरान उन्होंने साइबर लीडरों से ये भी कहा कि अपने अपने क्षेत्र में साइबर रक्षक बनाने के बाद वे अपने आसपास के लोगों को जागरूक करने के साथ ही प्रति साइबर रक्षक कम से कम 20 साइबर मितान बनाएं, जो कि रोजाना आसपास के अपने लोगों को जानकारी साइबर अपराध के संबंध में दे। आज हम लोगों की साइबर मितान की ट्रेनिंग थी, जिसमें हम लोग साइबर मितान में लीडर हैं, और हम लोगों को अपने हम 25 लोगों को जोड़ेंगे अपने अंदर अपने नीचे, उनको जाके ट्रेनिंग देना है। फिर वो मितान, उनके जो मितान रहेंगे 1 सितंबर से 8 सितंबर तक बिलासपुर पुलिस एसपी सर आईजी सर की इच्छा है कि 8 सितंबर को, क्योंकि वर्ल्ड लिटरेसी डे है, विश्व साक्षरता दिवस, तो उस दिन तक जिले का हर एक नागरिक एटलीस्ट इस चीज में साक्षर हो जाए कि वो साइबर फ्रॉड का शिकार नहीं होगा, साइबर ठगी का कभी शिकार नहीं होगा। इसलिए एक जागरूकता अभियान 1 तारीख से 8 तारीख तक चलाना है। रायगढ़ जिला कलेक्टर के निर्देशन में नगर निगम रायगढ़ के आयुक्त ने कायाघाट कंटेनमेंट क्षेत्र के रहवासियों के लिए राशन उपलब्ध कराया, जिसमें एसडीएम तहसीलदार समेत नगर निगम की टीम शामिल रही। बता दें कि कोरोना के कारण जिला कलेक्टर द्वारा लॉकडाउन किया गया, जिससे कि संक्रमित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था हेतु आयुक्त आशुतोष पांडे द्वारा नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए, किंतु मानवीय व्यवहार से कमिश्नर स्वयं कंटेनमेंट क्षेत्र में उपस्थित होकर राशन वितरण करा रहे हैं। लगातार तेज बारिश से रायगढ़ शहर जलमग्न है। मोदी नगर समिति क्षेत्र जुबान जैसे हालात, घरों में घुस पानी घुस रहा है। नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल तेज बारिश ने खोल दी है। बारिश के चलते नदी नाले भी उफान पर है, और जब जनता को काफी दिक्कतों का अब सामना करना पड़ रहा है। कोरिया के मनेंद्रगढ़ क्षेत्र की कॉलोनी में राशन की दुकान को 14 साल का नाबालिग लड़का संचालित कर रहा था, जिसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर मानवाधिकारी आयोग पहुंचा, जिसके बाद आयोग ने आपत्ति जताई है। ये मामला है, देखिए यहाँ पर हम लोग को बहुत दिन से शिकायत मिल रही थी कि बाल श्रमिक शोषण कराया जा रहा है, लेकिन हम लोग बहुत दिन से तलाश में थे और हम लोग को मिल भी नहीं रहा था सब चीज़। लेकिन जब मैं आज आया, सर्वे में आया, तो देखा कि लड़का इनका बैठा हुआ है, जिसे नाम पूछा, बताया शिवम नाम बताया, बोला बेटा अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, तो बोले हमको नहीं मालूम। फिर उसके बाद हम पूछे कितना पढ़ते हो, तो बोले 9वीं।
तो इसे सिद्ध होता है कि भाई नाबालिग लड़का है, नाबालिग लड़के को बैठा के यहाँ काम कराया जा रहा है। राजधानी में बुधवार की आधी रात से हो रही बारिश की झड़ी ने कोरोना मरीजों की संख्या कम कर दी। राजधानी में 493 व प्रदेश में 1438 कोरोना के नए मरीज मिले। हालांकि डॉक्टरों का यह भी कहना है कि बारिश के कारण राजधानी में गुरुवार को एंटीजन टेस्ट औसतन 900 के मुकाबले आधे ही पाए गए। दुर्ग से 186, रायगढ़ से 55, राजनांदगांव से 53, बिलासपुर से 51, सरगुजा से 50, बस्तर से 47 नए मरीज मिले हैं और ये आंकड़ा आपको नए मरीजों का बता रहे हैं। बलौदा बाजार से 38, कांकेर से 34, दंतेवाड़ा से 28, महासमुंद से 24, सूरजपुर से 22, बीजापुर से 20 नए मरीज मिले, कोरिया से 19, सुकमा से 17, मुंगेली से 16 नए मरीज मिले हैं। जांजगीर चांपा से 15, धमतरी से 14, कवर्धा से 11, बलरामपुर से 6, बालोद, जशपुर व नारायणपुर से 5-5, कोंडागांव से 3 नए मरीज सामने आए। अन्य राज्य से 2, गरियाबंद व कोरबा से 1-1 मरीज मिले। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। हम आप सब, अब नहीं तो कब, 9 बज जाए तब, बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें, हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बेमेतरा के अतरिया के रोजगार सहायक मनोज गंधर्व के कारनामे आए दिन सामने आ रहे हैं। अब जनाब ने मनरेगा में खून पसीना गलाकर काम करने वाले श्रमिक रामचंद्र सतनामी के 13,000 रुपए की राशि गांव के ही रामचंद्र साहू के खाते में डाल दी। आपको बता दें कि पूरा मामला जिले के बेमेतरा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत अतरिया का है, जहाँ के प्रभारी रोजगार सहायक मनोज गंधर्व के कारनामे लगातार उजागर हो रहे हैं, जिसके बाद ही जनपद पंचायत हाथ में हाथ हला बैठा है। रामधन गांव में नियम विरुद्ध तालाब गहरीकरण कर मामले अभी शांत भी नहीं हुए कि रोजगार सहायक का एक और कारनामा सामने आ गया, जिसमें वो श्रमिक का पैसा दूसरे के खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं, जिससे कि श्रमिक रामचंद्र जनपद पंचायत हाथ में हाथ धरा बैठा है। ग्राम धनगांव में नियम विरुद्ध तालाब गहरीकरण करा रहे हैं, लगातार ऐसे कारनामे उजागर हो रहे हैं। आए दिन ऐसी खबरें आती हैं जब मनरेगा में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ बेईमानी की जाती है, उनका पैसा किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कोरिया में के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। खबर में हमने दिखाया कि जिला के नारायणपुर पुलिया निर्माण पहली बारिश में बह गया। खबर चलने के बाद पुलिया का दोबारा निर्माण हुआ और कई दुर्घटना होने से बच गई।
रायगढ़ के सरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पिछले माह क्रेशर के अकाउंटेंट की मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर बुलेरो में दो युवक अकाउंटेंट को डरा धमका कर उसकी मोबाइल और नकदी लूटी है। फिल्म स्टाइल में हुए इस लूटपाट को थाना प्रभारी सरिया निरीक्षक अंजना केरकेट्टा और उसके टीम द्वारा प्रकरण के दोनों आरोपियों को लूट की मोबाइल बुलेरो और नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया। दंतेवाड़ा में करोड़ों की लागत से बने कोविड अस्पताल में डिस्पोज के लिए एक ही गड्ढे का सहारा है। कोविड अस्पताल करोड़ों की लागत से बना हुआ है, सभी सुविधाओं के लिए लाखों रुपए फूंक दिए गए, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि कचरा कहां डिस्पोज किया जाएगा। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कचरे का ढेर लगा रखा है। तमाम बीमारियों को न्योता देने का काम यहाँ पर किया गया। वजह से पूरा पानी भर गया है डीप पिट्स में, सो सभी पॉलिथीन है, वो पॉलिथीन का वो पानी का भरने के कारण ऊपर फ्लोट हो रहा है। इस वजह से हम डंप नहीं कर पाया हूँ, आज ही पूरा क्लियर कर दिया हूँ और डंप भी कर दिया हूँ। हिंदुस्तान में सब्जियों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन एक सब्जी ऐसी भी है जिसका दीवाने सात समंदर पार भी है। कहते हैं कि सब्जी को खरीदने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ता है, क्योंकि इसकी कीमत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कौन सी है वो सब्जी और क्या है इसकी खासियत, देखिए रिपोर्ट में। क्या आपको पता है कि देश और दुनिया की सबसे महंगी सब्जी कौन सी है? भारत की सबसे महंगी सब्जी हिमालय से आती है। भारत की सब्जी की दुनिया भर में बड़ी मांग है। अगर आपको ये सब्जी एक किलो खरीदनी है तो आपको 30,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इस सब्जी को पकाने के लिए खासी मेहनत की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसे खाने से दिल संबंधी कोई बीमारी नहीं होती। इसके अलावा ये सब्जी शरीर को कई अन्य प्रकार का पोषण देती है। ये एक तरह से मल्टीविटामिन की प्राकृतिक गोली है। इस सब्जी का नाम गुच्छी है, जो हिमालय पर मिलने वाले जंगली मशरूम की प्रजाति है। गुच्छी का वैज्ञानिक नाम मार्कुला एक्सक्यूपलेंटा है। बाजार में इसकी कीमत 25,000 से 30,000 रुपए किलो है। गुच्छी नाम की सब्जी को बनाने में ड्राई फ्रूट, सब्जियां और देसी घी का इस्तेमाल होता है। ये भारत की दुर्लभ सब्जी है, जिसकी मांग विदेशों में भी होती है। लजीज पकवानों में एक गुच्छी के नियमित उपयोग से दिल की बीमारियां नहीं होती। इसे हिमालय के पहाड़ों से लाकर सुखाया जाता है, इसके बाद इसे बाजार में उतारा जाता है। गुच्छी ज्यादातर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर उगाए जाते हैं। कई बार बारिश के सीजन में ये खुद ही उग जाते हैं। अच्छी मात्रा में जमा करने में लोगों को कई महीने लग जाते हैं, क्योंकि पहाड़ पर इतनी ऊपर जाकर जान जोखिम में डालकर ये सब्जी लाना इसकी कीमत को बढ़ाता है। गुच्छी का उपयोग सर्दियों में ज्यादा होता है। आमतौर पर गुच्छी को मोरल्स भी कहते हैं। इसे स्पंज मशरूम भी कहा जाता है। ये मशरूम की ही एक प्रजाति मोर्शेला फैमिली से संबंध रखता है। अमेरिकी, यूरोप, फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड के लोग कुल्लू की गुच्छी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। गुच्छी में पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी, डी, सी और के होता है। इस सब्जी में हद से ज्यादा पोषक तत्व मौजूद है। यही वजह है कि गुच्छी के दीवानों की संख्या लाखों में है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।